फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग्स। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मजे में होंगे। मैं भगवान से कामना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें हमेशा। और फ्रेंड्स, आज मैंने अपने बाल को वॉश किया है। बाल इसलिए वॉश किए हैं क्योंकि मुझे अपने बालों में अप्लाई करना है ही ना। और जैसा आप देख सकते हैं, मेरे बाल थोड़े से यहाँ से ग्रेश हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनमें हिना अप्लाई की जाए। तो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये देख सकते हैं आप। इसमें मैंने ऐड किया है हिना, और मार्केट से जो पैकेट आता है वही लिया है। इसमें मैंने पानी डाला है, अभी इसको हो चुके हैं 3-4 घंटे इसमें। और मैंने हेड वॉश इसलिए किया है हिना लगाने से पहले, ताकि जो बालों में अगर कोई डस्ट वगैरह है तो ये अच्छे से क्लीन हो जाए। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिक्स की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये हेयर फॉल भी हो रहा है। ये है फ्रेंड्स, देखिए ये है हर्बो ग्रो, हर्बल हेयर ग्रोथ प्रो। और ये आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बालों को बूस्ट करती हैं, आपके बालों को अच्छा बनाती हैं, आपके स्कैल्प को स्ट्रांग करती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं, जैसे इसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं, वो होता है ना आर्निका प्लस, आर्निका प्लस है, लेमन ग्रास है, रीठा नीम, गुड़हल, भृंगराज, ब्राह्मी, जिंजर, सब आपने सुने होंगे नाम। और उसका ये मिक्सचर है। और भी चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, क्या है, सेना है, आंवला है, मिंट है, कपूर कांची है, काचली है, और शिकाकाई है, और करी लीव्स वगैरह है। तो ये सारे हर्ब्स हैं, पावरफुल हर्ब्स हैं होते सारे। और इस तरीके का फ्रेंड्स देखिए, ये ना कुछ हिना टाइप का ही मिक्सचर है, पाउडर है। तो इसको जो है आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप 15 दिन में या 10 दिन में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में। और इसको आप चाहें तो हिना में अपना मिक्स करके लगा सकते हैं, बट हिना इसमें ऑलरेडी मिक्स है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसको जो है मैं अगर हिना के साथ लगा लूँ तो इससे जो है मेरे बाल में कलर भी अच्छा जाएगा, तो मैं इसे इसलिए हिना के साथ लगा रही हूँ। हेयर फॉल फाइटर है, हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है, एंटी डैंड्रफ है। तो जैसे विंटर्स चल रही हैं तो डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा आजकल सबको ही रहता है, तो एंटी डैंड्रफ का काम करता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसको ले लेना है और इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में अच्छे से, और 2-3 घंटे आप इसे रहने देंगे। उसके बाद इसे वॉश कर लीजिए, फिर अपने बालों में ऑयलिंग कर लीजिए। उसके बाद वॉश करके जब आपके हेयर सूख जाए उसके बाद ऑयलिंग कर लीजिए। इस तरीके से हर्बल ग्रो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल जो है शाइनी होंगे, थिक होंगे, ब्लैक होंगे, और आपका हेयर फॉल का जो इशू है वो खत्म हो जाएगा, डैंड्रफ आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके का ये हर्बो ग्रो है फ्रेंड्स। अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो ये मेरे सिमसन स्टोर पे भी अवेलेबल है, और साथ ही अमेजोन से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। इजी एक्सेस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं अभी ना अपने बालों में। और बाल जो है मेरे काफ़ी कर्ली हैं और वेवी हैं। वैसे बालों की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, बहुत पतले हैं, लेकिन अगर आपके बाल काफ़ी वेवी होते हैं, कर्ली होते हैं, तो आपकी एक डेंसिटी काफ़ी अच्छी आती है बालों की। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपने बालों में स्टेप कटिंग कराई थी, तो आप देख सकते हैं कर्ली हेयर में स्टेप कटिंग दिखती नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो है आपके बाल कम होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो चलिए मैं इसे अप्लाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास ग्लव्स वगैरह नहीं है हेयर अप्लाई करने के, तो मैं इस पॉलिथीन की मदद से अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी, और इसको मैं अपने हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का पॉलिथीन ले लेती हूँ। तो इसको मैं अच्छे से बांध लेती हूँ इस तरीके से, अब मैं इसमें हाथ डाल देती हूँ। इस हद को मैं बंद नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं ये इस तरीके का रबड़ लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसको बांध लीजिए या फिर आप इस तरीके के रबड़ लगा सकते हैं इसलिए। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बालों के ठीक बीच में सर पे एक बन सा बना लिया छोटा सा, उसके बाद मैं साइड साइड से कुछ बाल लेके एक बन में चारों तरफ से घेर लूंगी इसको, और इस तरीके से मैं हिना अप्लाई कर दूंगी, और एक अच्छा सा बन बन जाएगा जो कि फूटेगा भी नहीं। इस तरीके का देखिए, तो देखिए इस तरीके का बन मैं बना रही हूँ।
तो ये पॉलीथिन थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो गई है, अगर आपको इससे छोटा साइज मिलेगा तो वो थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेगा और ये हिलेगा भी नहीं आपका हाथ, ये जो है इधर उधर मेरा हाथ इसमें अंदर इधर उधर जा रहा है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स जैसा विंटर्स चल रहा है तो विंटर्स में जो है हीना अप्लाई जो है मॉर्निंग या फिर दिन के टाइम ही करिए, 3-4 घंटे सफिशियंट होता है हीना के लिए आपके बालों में अच्छा रंग छोड़ने के लिए। तो ऐसा ना करें कि आप लेट नाइट लगा रहे हैं या फिर पूरी रात तक लग रहे हैं, अगर समर से तो कर सकते हैं लेकिन विंटर्स में मत करिएगा, क्योंकि ठंडा जो है आपको पकड़ सकता है, आपको सिर दर्द हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, तो इसलिए विंटर्स में दिन के टाइम ही आपको हीना अप्लाई करना चाहिए। वैसे तो ठंड की वजह से विंटर्स में कम ही जो है हीना अप्लाई की जाती है, लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, स्किप करते हैं, लेकिन अगर बाल ग्रे हो रहे हैं तब तो आपको हीना अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हीना लगाने का फायदा ये भी है फ्रेंड्स कि आपको नेचुरल कलर मिल जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे केमिकल से भरे हुए कलर्स हैं जो कि आपके बालों को डैमेज तो करते ही हैं, साथ ही जो है आपको उससे हेयर जो है ग्रे होना स्टार्ट हो जाता है बहुत जल्दी, तो अवॉइड करिए। और घर पे ही इस तरीके का आप हीना मिक्सचर बना सकते हैं, कोई भी हीना का पैकेट लेके मार्केट से 10-20-25 रुपए का आता है। कवरेज आपके बालों को देगा और प्रोटेक्शन भी देता है, तो 20-25 दिन में आपको हीना अप्लाई करते रहना चाहिए अपने बालों में, वो भी उस कंडीशन में जब आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हो रहे हों। अगर आपके बाल ब्लैक है तो बहुत ज़्यादा आपको हीना लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कलर के लिए या फिर अपने बालों को एक अच्छे से लेयर देने के लिए आप हीना अप्लाई कर सकते हैं। तरीके से देखिए मैंने काफी बन बना लिया है। ये देखिए पूरा बन बन चुका है और अच्छे से हीना भी अप्लाई हो चुका है। सो फ्रेंड्स ये देखिए बन पूरा बन चुका है अच्छे से और हीना अप्लाई हो चुकी है पूरी और ये भी बिल्कुल खत्म हो चुका है इसमें, तो बिल्कुल सही क्वांटिटी में मैंने ये बनाया था। और अगर थोड़ा बहुत बच जाए तो फिर आप ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। क्या बेटा? हाँ सानू सोचिए कि पता नहीं क्या है, काउडन तो नहीं है? काउडन मतलब? काउडन नहीं पता आपको, भूल गए आप? काउडन जो काउ करती है पॉटी। हाँ ये बोलते थे। मम्मा को मजा चकाती हूँ यही करती थी ना। मम्मा पास दोनों पन्नियां कहाँ से आ गई, ये तो मैं पहनूंगी ना। नहीं बेटा आप मतलब आपको स्लाइड में दूसरी दूंगी ना मैं आपको।
सो फ्रेंड्स, मैंने लगा ली है अपने बालों में मेहंदी और ये मेरे हाथ देखिए। अब मैं इसे निकाल देती हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं निकालूंगी। मम्मी के हाथ गंदे नहीं हो, मम्मा ने इसलिए लगा रखा है ताकि मम्मी के हाथ गंदे ना हो, है ना फ्रेंड्स? ये देखो अब निकल गए इनके हाथ, निकल गया, देखो बिल्कुल सही है। यहाँ मेहंदी लग गई है, थोड़ा बहुत तो लगती है, हाथ में नहीं लगनी चाहिए, थोड़ी सी यहाँ पे लग गई है। और अब मैं इसमें क्लचर लगा देती हूँ ताकि बाल खोले ना। और अभी बज रहा है दिन के 12 और इसे मैं तकरीबन 5 बजे करीब वॉश कर लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज के ब्लॉग में आपको दिखाना था मैं हीना किस तरीके से अप्लाई करती हूँ। तो इस तरीके से आप भी हीना लगाइए, हीना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके बालों के लिए और अच्छा भी होता है। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिएगा हाँ, तो बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।